थाना कटघर इलाके के पॉश कॉलोनी लाजपत नगर के 81 परिवारों ने एक साथ अपनी कॉलोनी और घरों पर पलायन के पोस्टर लगाकर हड़कंप मचा दिया है। इनका आरोप है कि मुस्लिम लोग उनके घरों के सामने जानवरों का मांस और गंदगी फेंककर उन्हें यहां से भगाने की साजिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही पलायन के खिलाफ सख्ती बरतने की बात क्यों न करती हो, लेकिन मुरादाबाद के शहरी इलाके की लाजपत नगर की पॉश कॉलोनी के लोगों ने अपनी कॉलोनी के मेन गेट पर ही बड़ा बैनर लगा दिया है, जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि वो लोग सामूहिक रूप से पलायन कर रहे हैं। इन परिवारों ने कैमरे के सामने साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग एक साजिश के तहत उनके मकानों के सामने जानवरों का मांस और गंदगी फेंक देते हैं, जिससे उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी बकरा ईद पर भी ऐसी ही साजिश रची गई। उन लोगों ने कॉलोनी के मुहाने पर मौजूद मकान को 3 गुना कीमत पर खरीद लिया और उसके बाद से सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है। शिव मंदिर कॉलोनी के नाम से पहचान रखने वाली इस कॉलोनी के 81 परिवारों ने सामूहिक पलायन की चेतावनी देते हुए सभी घरों के सामने पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग सामूहिक पलायन तो कर सकते हैं पर धर्मांतरण नहीं करेंगे। परेशान हो चुके हैं यहाँ पे रह के, आस पास में इतना माहौल खराब होता जा रहा है कि यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। आते छोटे छोटे बच्चे, हमारी लड़कियां हैं, बच्चे हैं, खेलती हैं, अब माएँ कब तक साथ रहेंगी? आप बताओ, गली में से निकलते हुए बदतमीजी कोई भी कर जाता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि बच्चों का खेलना, लड़कियों का खेलना दुश्वार हुआ? उस दिन बकरा ईद थी, टुकड़े इधर उधर सारी तरफ फेंके गए, ये क्या तरीका हुआ? गंदगी तुमने अपने घर में रखी, ईद तुमने अपने घर में मनाई, तो टुकड़े यहाँ क्यों फेंके गए हैं? इस बात का किसी ने पूछा आज तक हमसे आके? तो क्या किया जाए यहाँ रह के? फिर ये बताइए, जब गवर्नमेंट हमारी सुनेगी नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी कंप्लेन कहीं भी नहीं सुनी जाती है। आपने किस किस को कंप्लेन किया है? नहीं भैया, हम कंप्लेन तब करें जब हमारी सुनवाई हो आगे से। इधर आइए भाई, इन लोगों की बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। मकान खरीदते जा रहे हैं, आसपास में गंदगी इतनी फैलाते हैं, कुछ कहने की हद नहीं। रेट चेट ऊपर देके मकान खरीद जी, क्या नाम है आपका? कौन सा? नाम राहुल है। राहुल जी, ये आज जो पोस्टर लगाए हैं कॉलोनी में सामूहिक प्लान का, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि हमारी कॉलोनी के बाहर जो है 2 मकान बिके, एक इस गेट पे बिक गया, उस गेट पे बिक गया। दूसरे समुदाय के लोग दुगने और तिगने पैसे दे करके वो खरीद लेते हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये थी कि जो हमारे पूर्वज थे पाकिस्तान से बेच करके हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में शहर में रहे, मुरादाबाद में आकर के। मुरादाबाद शहर की स्थिति आज ये है, वहाँ पे एक हिंदू का बच्चा नहीं है। वहाँ से बेच के लाजपत नगर में आए, लाजपत नगर की स्थिति ये है कि लाजपत नगर में दुगने तिगने रेटों पर मकान खरीद रहे हैं वो लोग। जब वो खरीद रहे हैं तो अब हम यहाँ से इसको बेच करके कहाँ जाएंगे? हम दूसरे शहर में जाएंगे तो फिर यही होगा, तो हम हिंदुस्तान छोड़ कर भी कहाँ जाएं? ये कोई ऑप्शन तो हो हमारे पास भाई, कोई ऑप्शन ऐसा होना चाहिए वो हमें सरकार बताए कि हमें हिंदुस्तान छोड़ के कहाँ रहना है। आपके क्या मांग है प्रशासन? हमारी क्या मामला है? देखिए, मैं वार्ड 21 लाजपत नगर से पार्षद पूनम बंसल हूँ। ये सामूहिक पलायन का मामला आपने पेपर में भी आज सुबह पढ़ा होगा। ये लाजपत नगर की एक शिव मंदिर वाली एक कॉलोनी है, जिसमें टोटल सारे घर हिंदुओं के हैं, लेकिन आप पैसों के लालच के चक्कर में, दलालों के फेंक में पड़ने के बाद बहुत सारे लोग जो है दुगने तिगने रेटों पर मकान बेच के यहाँ से जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। समझ रहे हैं? दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आपको भी पता है कि एक विशेष समुदाय के साथ जो है, सावन के सोमवार है, बकरा ईद का त्यौहार गया है, तो कुछ असंतुलन ऐसा पैदा हो गया है कि जिसकी वजह से यहाँ पे असंतोष की स्थिति है। अब सब इन लोगों की मांग ये है कि अगर हमारी कॉलोनी का एक भी मकान बिकता है तो हम सारे 81-84 मकान जो है वो सारे एक साथ बेच कर यहाँ से जाएंगे, लेकिन हम किसी विशेष समुदाय को यहाँ पर इस कॉलोनी में मकान नहीं खरीदेंगे। एक हमारी मांग, इन लोगों की मांग ये है कि यहाँ पर कॉलोनी के एंट्रेंस पे 2 मकान बिके हैं, वो अभी बिके हुए केवल 3 महीने हुए हैं, तो उनकी अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो सरकार से, योगी जी से और प्रशासन से इनकी मांग ये है कि वो रजिस्ट्री उनकी अभी ना कराई जाए, उनकी रजिस्ट्री कैंसिल की जाए, जिससे कि जो लोग आ चुके हैं और जो इन लोगों को अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, 26-25 लोग पतंग उड़ाते हैं। और एक मेन मकसद यह है कि अगर मेरी मकान की कीमत 4 है तो मैं 8 में कैसे बेच सकती हूँ? मेरी भी जांच होनी चाहिए, और जो खरीद रहा है उसके पास 8 दुगने 4 गुने पैसे देने के लिए कहाँ से आए? तो सरकार के पास एक आय और व्यय की संपत्ति का कोई स्रोत तो होगा जिसकी वो जांच कराए। तो मेन मांग ये है कि अगर यहाँ पर एक भी मकान बिकता है तो सामूहिक पलायन, सारे मकान एक साथ। थैंक यू। कटघर थाना क्षेत्र में लाजपत नगर शिव मंदिर कॉलोनी में एक
सामूहिक रूप से पलायन का मामला प्रकाश में आया, क्या मामला है और क्या जांच में पाया गया है? देखिए, जो लाजपत नगर कटघर का मामला है, उस कॉलोनी में कुल 81 मकान हैं, जिसका 3 मकान अभी हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा खरीदा गया है। बाकी उस कॉलोनी में सारे के सारे मकान बहुसंख्यक समुदाय से रिलेटेड हैं। जो प्रकरण है वास्तव में आपसी कुछ घरों के आपसी विवाद का मामला है। इस पर अधीनस्थ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है, उनसे बातचीत की गई है और इसमें पलायन जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बहुसंख्यक समाज जो है बहुतायत में है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी जो स्थानीय स्तर पर असुविधाएँ हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश की। सर, पूरी कॉलोनी के अंदर सामूहिक पलायन के पोस्टर लगा दिए गए वहाँ पर? देखिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कारण एक आध लोगों ने ऐसे अपने यहाँ पोस्टर लगाए थे, उनसे बातचीत की गई। जैसा कि हमने बताया कि टोटल 81 मकानों में 3 मकानों को छोड़कर सारे के सारे मकान एक समुदाय के हैं। इस तरह की कोई बात होने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, ऐसी बात है। सर, एक सबसे बड़ी वहाँ उन लोगों को परेशानी ये थी कि अभी ईद गुजरी है और वहाँ पर थोड़ा ओज और कुछ गंदी चीज़ें ऐसी डाली गई जिन्हें ये मुद्दा उठा, जिस बात को लेकर? देखिए, सफाई के लिए ऑलरेडी नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि हमेशा नियमित सफाई की जो व्यवस्थाएँ हैं उसको वहाँ सुचारू रूप से रखा है, जिससे लोगों के मन में किसी तरह का असंतोष इस तरह की बातों को लेकर के नहीं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पूरे शहर में ईद उल अजहा के दौरान पूरी तरह से साफ सफाई की व्यवस्था रखी गई थी और इस तरह की शिकायतें नहीं हुई।